हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे, आपके डॉग्स भी मजे में होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मी बिल्कुल पीक पे आ गई है, तो इस मौसम में डॉग्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो हमें पता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें कैसे उससे बच के रहना है, तो बहुत आसान हो जाएगा उसको इस मौसम में रखना। तो इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आपको कि क्या कैसे रखें, कैसे इनकी देखभाल करें इस सीजन में। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे भी गर्मी की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है पानी की। तो पानी डॉग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप तो जानते हो ये बात, आपने हर जगह यही पढ़ा होगा और यही आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा कि उनके लिए हमेशा पानी भर के रखना चाहिए इस मौसम में। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल इससे अपोजिट बात बताना चाहता हूँ कि आपको डॉग के लिए पानी तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके लिए पानी भर के नहीं रखना चाहिए होता। देखिए, प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब आप पानी भर के रखते हो ना डॉग के लिए, तो डॉग क्या करता है, उसमें जाएगा और थोड़ा सा पानी, अगर पपी है तो थोड़ा सा चाटेगा और जाके सुसु कर देगा। दिन भर वो यही करता है, पानी जरा सा चाटता है, जाके सुसु कर देता है। इतना पी नहीं रहा होता जितना वो पूरे घर को गंदा कर रहा होता है, ठीक है? और बड़ा डॉग होगा तो वो भी और पपी भी जो दोनों ये चीज़ कर रहे होते हैं, पानी को गिराते हैं और उसके अंदर लेट जाते हैं बार बार, तो उससे उनके अंदर बुरी तरह स्मेल हो जाती है और पूरी स्किन, यहाँ से पूरी पेट, पूरी चेस्ट, पूरी खराब हो जाती है, सारे में लाल दाने निकल जाते हैं, बहुत स्किन डिजीज हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए पानी को कभी भी भर के नहीं रखना चाहिए उनके लिए। और अगर आपका डॉग वाकई बहुत ही ज़्यादा पानी पीता है, तो आप स्टैंड वाला बर्तन ही यूज़ करें, छोटा नीचे रखने वाला बर्तन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वैसे पानी भर के नहीं रखना होता, पूरा पानी नहीं पीता डॉग। जब आप पानी या खाना भर के रखते हो तो वो पूरा नहीं खाएगा खाना, ना ही पानी पिएगा पूरा, वो भरा ही रखा रहता है। तो आप हमेशा फ्रेश पानी लीजिए और 1.5-2 घंटे बाद उसको पानी पिलाइए। आपको पता रहेगा कि आपका डॉग 1.5 घंटे 2 घंटे में पानी पीता है और कितना पानी पीता है। ऐसे भरपेट पानी पिएगा तो उसको कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पानी उसकी बॉडी में पूरा रहेगा। तो अगर आपने पूरा पानी पिलाना है उसको, तो पानी आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1-1.5-2 घंटे बाद भर के फ्रेश पानी ही पिलाना होगा, वही ठीक है, भर के रखना ठीक नहीं है। अब दूसरी बात आती है फूड से रिलेटेड। दोस्तों, इस सीज़न में डॉग्स की एपेटाइट बिल्कुल कम हो जाती है, उनको खाने की ज़रूरत बहुत कम रहती है, और हम उसमें फिर कभी कुछ मिला मिला के देने लगते हैं, कभी कुछ। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना के रखी है कि आपका डॉग अगर खाना नहीं खाता तो क्या करें, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है इस मौसम में, तो आपने कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिर्फ दही और छाछ ऐड कर सकते हो, और कभी कोकोनट वाटर आप पिला सकते हो उसको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसे नई नई वैरायटी, नई नई चीज़ें मत दीजिएगा, उससे उसका पेट ख़राब होने लग जाएगा और वो फंसी ईटर बन जाएगा। तो आपने फूड का यही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ आपने करना नहीं है फूड में, कोई चेंजेस नहीं करने। जो फूड खाता है डॉग उसी को खिलाना है, कोई चेंजेस नहीं लाने। और तीसरी चीज़ आती है उससे, उसकी रेस्ट या स्लीप से रिलेटेड। तो दोस्तों, आप देखते हो कि अभी तक तो डॉग आपका बेड पे सो रहा था, अपने गद्दे पे सो रहा था, इस सीज़न में ये हमेशा फर्श पे लेटना पसंद करते हैं। छोटा पपी हो या बड़ा डॉग हो, उनको फर्श पे लेटना पसंद होता है, क्योंकि वो उनको ठंडा लगता है। और हम क्या कर रहे होते हैं, वही गद्दा जो पूरे सर्दियों में जिस पे हम बिठाते रहे, हम उसी के ऊपर ज़बरदस्ती बिठा रहे होते हैं। अगर उसका डॉग हाउस है तो हमने वो गद्दा अभी तक हटाया ही नहीं, उसी गद्दे को उसके अंदर डाला हुआ है और उसी में उसको सुलाते हैं, तो वो उस गद्दे को फाड़ देता है। आप देख ही रहे होंगे कि आपके डॉग उस गद्दों को फाड़ रहे हैं इस सीज़न में, और जो डॉग्स नहीं फाड़ पाता गद्दे को, वो उसके ऊपर सुसु कर देता है उसको ठंडा करने के लिए, और फिर उस पर लेटता है, वो पूरा गंदा हो जाता है, उसके सारे स्किन डिजीज हो जाती है। तो आप उन सर्दियों वाले गद्दों को इमिजिएट हटा दीजिए और उसको फर्श पर लेटने दीजिए, ठीक है? वो उसके लिए बेटर है। और अगर आपको अजीब लगता है कि नहीं फर्श पर लेटता है, तो आप फिर मार्केट से डॉग्स कूल पैड आते हैं वो यूज़ कर सकते हो, और कूल पैड करके भी आते हैं, तो दोनों चीज़ आते हैं। कूल पैड का मुझे, मैं सही से बता नहीं पाऊंगा उसके अंदर क्या चीज़ें डाली हुई उसने जिससे कि वो ठंडा रहे। तो आप गूगल पे या जैसे ले रहे हो उससे आप सर्च कर लीजिएगा कि उसमें क्या है जो कि ठंडा है, अगर वाकई है तो आप यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। और कूल पैड आते हैं जैसे पहले एक टाइम में फोल्डिंग पलंग होते थे निवाड़ वाले, इस तरह के आते हैं वो, तो उसमें हवा लगती रहती नीचे से डॉग को, तो उस वो आराम से बैठ सकता है उसमें।
तो वो ये भी आपको उन्हीं डॉग्स के लिए लेने की जरूरत होती है जिनके अंदर जो हैवी डॉग है, बड़े जाइंट ब्रीड्स है, लाइक सेंट बर्नार्ड है, ग्रेट डेन या मास्टिफ जैसे डॉग्स हैं जो हैवी डॉग है, जो फर्श पे बैठने से जिनकी यहाँ पे कोहनियाँ पूरी हार्ड हो जाती है, उनमें पानी भर जाता है, तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। तो आप ये चीज़ कर लीजिए, आराम से आपको डॉग शांत रहेगा, अच्छे से रहेगा इस मौसम में भी। इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि डॉग्स की हम गर्मी की वजह से ना वॉकिंग बंद कर देते हैं। देखो गर्मी है मैं मानता, लेकिन इसकी वॉकिंग पे उसको ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो पूरा दिन घर में रहता है, इरिटेट रहेगा वो अगर वॉकिंग पे नहीं जाएगा तो। कुछ ना कुछ आप थोड़ा सुबह जल्दी उठ के ले जाएं, थोड़े ठंडे मौसम में, शाम को थोड़ा देर से ले जाएं, लेकिन वॉकिंग पे जरूर ले जाइए आप, कम से कम आधा घंटे की वॉक तो जरूर लेके जाइए, जिससे कि वो उनको वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है, उनको अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना होता है, दूसरे डॉग से मिलना है, दूसरे लोगों से मिलना, सोशलाइजेशन उनके लिए ज़रूरी है। तो ये आप जरूर कीजिए, वॉकिंग पे ले जाना बिल्कुल ना भूलें, वॉकिंग पे जरूर लेके जाइए। मानता हूँ आपको भी गर्मी लगती होगी, हम अवॉइड कर देते हैं ले जाना, एसी में लेटे रहना ज़्यादा ठीक रहता है समय, पर आप वॉकिंग पे जरूर लेके जाइए, नहीं तो उसका बिहेवियर ख़राब होने लगेगा और चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है बाथिंग की। तो हमें लगता है कि गर्मी का मौसम है तो हम खूब नहलाएं डॉग को। दोस्तों वैसे 15 दिन से लेकर 30 दिन के बीच का टाइम ठीक रहता है डॉग को नहलाने का, लेकिन आप इस मौसम में वीक में एक बार भी नहला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब आप वीक में एक बार नहला रहे हैं तो आप उस पर किसी भी तरह का कोई शैम्पू कोई साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से नहला दीजिए। ज़्यादा शैम्पू हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं तो महंगे से महंगे शैम्पू खरीदते हैं, इसमें बहुत खुशबू हो, ये खुशबूदार शैम्पू डॉग्स के लिए हार्मफुल होते हैं, इससे वो बहुत इरिटेट होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप डॉग को नहलाते हो वो आप सोफे पे रगड़ रहा है, अपने आप को इधर से इधर भाग रहा है, बहुत देर तक परेशान रहता है। तो आप कोई भी ऐसे खुशबू वाले शैम्पू ना यूज़ करें, नॉर्मल पानी से नहला दीजिए और उसको अच्छे से सुखा दीजिए। नहलाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मुश्किल है डॉग को सुखाना, उसको अच्छे से सुखा दीजिए, कम से कम आप पे 2 टावल लग जाएंगे, पहले टावल में तो टावल पूरा भीग जाएगा, तो आप उसका ध्यान रखिए, आप कम से कम 2 टावल लगेंगे, अच्छी तरह सुखा दीजिए, वो गीला नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो बाथिंग का आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, और हर दिन उसकी क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग का मतलब है कि उसकी ब्रशिंग हो डेली, और उसके पोज वगैरह साफ़ हो, कान वगैरह साफ़ हो, इससे उसके अंदर स्मेल नहीं होगी। इस मौसम में डॉग्स के अंदर बहुत स्मेल होने लगती है, तो ऐसे डॉग्स को बिल्कुल स्मेल नहीं होगी, साफ़ रहेगा, और बाल इस मौसम में काफ़ी टूटते हैं, वो तो टूटे हुए सारे बाल निकल जाएंगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो खुश रहेगा, तो क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट बात आती है ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि हम जैसे डॉग को कहीं पे लेके जाते हैं कार वगैरह में, तो हम हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डॉग कैसे कंफर्टेबल रहता है ट्रेवलिंग के टाइम पे कार में। कुछ डॉग्स को एसी चलाने पे अच्छा लगता है, एसी चलाया और वो थोड़ी देर बाद ही सो जाते हैं उसके अंदर, और कुछ डॉग्स को खिड़की से बाहर देखते हुए जाना पसंद है। तो आपको अपने डॉग का पता रहना चाहिए, जैसे कि आप अपने डॉग को बिठाओगे कार में तो 2-3 किलोमीटर चलते ही साथ वो आराम से लेट जाएगा और एसी की ठंडक में वो सो जाएगा, ट्रेवलिंग आसान हो जाएगी। और कुछ डॉग्स को सिकनेस होने लगती है तो वो खिड़की की तरफ खुद ही भागेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसको खिड़की खोलनी है, तो आप ऐसे डॉग्स के लिए खिड़की भी जरूर खोलिएगा, तो आपको आसान हो जाएगा रखना। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर डॉग के लिए खिड़की खोलना ज़रूरी है या हर डॉग के लिए एसी चलाना ज़रूरी है, आपको अपने डॉग का पता चल जाएगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर ही, ठीक है। इससे अगली बात आती है, इस मौसम में डॉग्स को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, वो बार बार झाग वाली ऐसे येलो कलर की वोमिटिंग करते हैं, क्योंकि वो खाना कम खाते हैं या कुछ, हम भी कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें खिलाते रहते हैं उनको, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके लिए उसको दही और दही चावल दे दीजिए और छाछ दीजिए और कोकोनट वाटर दीजिए, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा दवाई वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है चीज़। दूसरा एक बहुत एक क्वेश्चन आता है कि अपने डॉग को हम हेयर कट कराएं या ना कराएं। दोस्तों हेयर कट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेयर कट जब हम कराएं तो वो अच्छी मशीन से पूरा पूरे एक एक जैसे बाल कटने चाहिए, कहीं से छोटे कहीं से बड़े नहीं होने चाहिए। तो कैंची से जैसे हम घर पे काट देते हैं ना, उससे प्रॉब्लम रहती है, कहीं से छोटे कहीं से बड़े, वो जब बाल आने लगते हैं ना तो फिर वो डॉग इरिटेट होने लगता है, चुभने लगते हैं डॉग को। तो आप पूरा क्लीन कराइए उसको, पूरा शेव कराइए, एक तरह से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और वैसे अगर आप डेली क्लीनिंग करते हो डॉग की, बैठ के उसके साथ में और सारा ब्रशिंग वगैरह करते हो, साफ करते हो, तो आपको हेयर कट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और नेक्स्ट बात यह आती है कि इस मौसम में टिक्स भी होने लगती है, तो आप इसीलिए आपको पहले बताया कि आप डेली क्लीनिंग कर लीजिए। आप जब डेली क्लीनिंग कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो आप हाथ मार लोगे डॉग पे पूरे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई टिक्स आ गई भी है एक दो, तो वो टिक्स आप हाथों हाथ निकाल लोगे। अब जब आप देखोगे 1 महीने बाद की, तो आपको पता चलेगा पूरे घर में टिक्स होने लगी, तब आप अपने डॉग्स को देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसको टिक फीवर हो जाते हैं, और वो फिर इंजेक्शन लगवाने रोज डेली, और फिर लंबा काम हो जाता है। इसलिए जब रोज क्लीनिंग कर रहे हो, आप देख लो एक बार खोल के कि कोई टिक्स वगैरह तो नहीं है कहीं पे, तो एक आध टिक्स होगी तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये टिक के लिए भी आप जरूरी ऐसे क्लीनिंग करना और ऐसे चेक करना डेली डॉग को। इसके बाद एक बहुत जरूरी बात ये आती है कि डॉग को इस मौसम में एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा का मतलब है कि कहीं से भी बाल उसके उखड़ने लगते हैं, तो एक जगह भी पैच बन जाता है, कई जगह भी पैच बन जाता है। बहुत कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा होता है इस मौसम में। तो इसके लिए आप, इसके लिए डॉग के साथ ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप उसके लिए एसी जरूर चला के रखिए। ये चीज़ मैंने बहुत जगह देखी कि हम एसी नहीं चलाते, बहुत बड़ी गलती करते हैं। डॉग पूरा दिन इरिटेट रहता है, कभी यहाँ बैठ रहा है, कभी वहाँ बैठ रहा है, पूरे घर के अंदर परेशान हुआ घूमता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा होता है, काटने वाला बन जाता है, बिहेवियर खराब हो जाता है। इसलिए उसके लिए एसी चलाना बहुत ज़रूरी है। कभी एक्जिमा नहीं होगा, कहीं कोई बाल नहीं उखड़ेंगे उसके, तो आप उसके लिए एसी जरूर चलाइए। जिस घर में डॉग्स के लिए एसी चलते हैं, वो डॉग्स हमेशा हेल्दी रहते हैं, गर्मी में हमेशा खुश रहते हैं, वो उनके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आती। आप जरूर ध्यान रखिए इस बात का। मैं ये नहीं कहता कि हर समय एसी चला के रखिए, बट गर्मी इस समय पीक पे है तो ज़रूर चलाइए। सुबह शाम मत चलाइए जब मौसम ठीक हो, या कभी बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडा है, हवा चले, तो आप एसी बंद करके खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। लेकिन गर्मी है तो आप ज़रूर एसी चलाइए, ये बहुत खुश रहते हैं ऐसे और हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों इतनी बात थी, उम्मीद है आपको ये टिप्स ज़रूर काम आएगी। और अगर कोई छूट गई है तो आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम छूट गई है जो मैं कवर नहीं कर पाया, तो मैं उसको भी बाद में आपको बता सकता हूँ। और आपके डॉग के साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम चलती है, चल रही है आजकल, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं। जो भी आपकी हेल्प होगी तो ज़रूर की जाएगी। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत प्रॉब्लम चलती है डॉग्स के, तो किसी के काम आ जाएगी ये वीडियो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपने डॉग्स का और अपना। बाय।